चलो आज बनाएंगे चिकन अफगानी। तो सबसे पहले चिकन को बड़ा बड़ा पीसेस में ले और उसको अच्छा सा साफ करके धो के रख लिए। तो उसमें डालेंगे ये देखिए पूरा, ये गार्लिक जिंजर, ये कोरिएंडर ऑनियंस और ग्रीन चिली, ये सबको पूरा एक ही साथ पेस्ट बना देंगे। ये बन गया पूरा सबका पेस्ट। अब उसमें डाल देंगे, चिकन में डालेंगे और उसमें डाल देंगे दही। यह फ्रेश क्रीम, अगर आपका पास दूध का मलाई है तो डाल सकते हैं। बस अब डाल देंगे ब्लैक पेपर पाउडर पूरा एक स्पून। यह सॉल्ट पूरा एक स्पून, थोड़ा सा कसूरी मेथी भी डालेंगे। यह गरम मसाला। अब डालेंगे एक फुल स्पून चाट मसाला। अब ये पूरा सबको मिला देंगे अच्छा से। अब इसको मिलाने के बाद डाल देंगे उसका ऊपर लेमन जूस। पूरा एक घंटा मैरिनेशन पे रखेंगे। अभी लगा देंगे पैन, इसमें डालेंगे ऑयल। मसाला से चिकन को अलग कर देंगे, नहीं तो मसाला जल जाएगा। ये देखिए इस तरह अच्छा से निकल देंगे। चलो अभी रखेंगे लेके गरम ऑयल में और इस मसाला को बाजू में रख देंगे, लास्ट में डालने का है। ऑयल तो एकदम अच्छा सा गर्म हो गया, अब इसमें रख देंगे ये मैरिनेशन करे सो चिकन का। चलो अभी तो एक ही साइड अच्छा सा फ्राई हो गया, ये देखिए एकदम रेड कलर बन गया। और इसको पूरा सब्जी इस तरह पलटाएंगे। अच्छा सा फ्राई हो रहा, अब इस तरह और 2 मिनट खाली फ्राई करेंगे। तो देखिए एकदम रेड कलर बन गया। तो अभी इसको निकाल देंगे इस प्लेट में। चलो अभी इस पैन को साफ कर देंगे। अभी इस पैन में डालेंगे फ्राई करे ऑयल को। अब इसमें डाल देंगे लवंग और इलायची। चलो अभी डालेंगे उसमें इस मसाला को। अभी इसमें थोड़ा सा पानी मिला के डाल देंगे और इस ग्रेवी को अच्छा सा फ्राई करेंगे। ग्रेवी से पूरा पानी चला गया। अभी इसमें डालेंगे चिकन पीसेस को। इसको एक बार मिला देंगे। ये अभी मसाला से अच्छा सा फ्राई हो रहा। अभी इसको ऊपर ढक्कन लगा देंगे, खाली 5 मिनट के लिए रखेंगे। ये देखिए चिकन तो अच्छा सा फ्राई हो गया, एकदम मसाला का साथ पूरा मिल गया। अभी इसका गैस को बंद कर देंगे और बीच में रखेंगे। ये देखिए एक छोटा सा बाउल के अंदर एक अंगारा को लिए। अब इसमें डाल देंगे 1 स्पून देसी घी। ये देखिए अच्छा सा फ्लेवर आने लगा। अभी उसका ऊपर ढक्कन को लगा देंगे, बस पूरा 10 मिनट के लिए ऐसा रखेंगे। चलो अभी इसको नीचे उतार देंगे। ये देखिए क्या खुशबू आ रहा पूरा
का स्मोकी फ्लेवर चिकन के अंदर। वाह क्या मज़ेदार खुशबू आ रहा। इजी तरीका था पकाने का और बहुत बढ़िया तरीका से पका, एकदम खुशबू। इसको खाएंगे राइस का साथ, रोटी का साथ भी खा सकते हैं। ये देखिए एकदम मज़ेदार, थोड़ा सा मसाला भी लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा सा पक गया। पूरा इसमें कोयला का फ्लेवर आ रहा, पूरा स्मोकी का फ्लेवर। वाह क्या मज़ा है। सर राइस का साथ मिला मिला के खाएंगे। Mm-hmm.